बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे। सो इज नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर मैथ्स। सो हरीली ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 11। ठीक है, हमने कर ली थी अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम की, कर ली। आई होप आपने इससे घर में इसके किए होंगे, जो होम टास्क मैंने आपको दिए थे, प्लस और माइनस की सजेस्ट थी, और साथ मैंने बोला था इनकी आपने स्टेटमेंट्स भी लिखने की, यहाँ पे था राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। ये हमने 2, 3 में भी सीखी और 1 में भी हमने की थी, 1 डिजिट्स वाली। लेकिन अभी इसकी डिजिट्स आ जाएंगे, 3 या 4 आएंगे, लेकिन वही कि आपको टेबल मस्त याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज तो मैं मल्टीप्लाई आपको करने सिखा रही हूँ, लेकिन आपका जो कल का होम टास्क होगा वेंसडे का, तो वो मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड नहीं करूँगी। आपने जस्ट टेबल रिवाइज करनी है 2 से 9। ठीक है, आई होप कि आपको भूले नहीं होंगे। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। वी हैव लर्न द मेथड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेज, वही बताया गया। ठीक है, तो अभी हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। देखें, 243 मल्टीप्लाई बाई 20, 46। 243 मल्टीप्लाई बाई 46, 2 से वर्ड्स आ गए ना, 2 लेटर नंबर्स आ गए। पहले हम क्या लेंगे, 6 को ले लेंगे। ठीक है, 6 का टेबल पढ़ें 3 तक। 6 ones are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18। तो 8 लगेगा, 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी। ठीक है, फिर 6 4s are 24, 1 ऐड किया तो 25। ये देखिए 5 ने लगाया हुआ और इसका 2 कैरी चला गया। फिर 6 को 2 से, 6 2s are 12 और 12 2 14। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया, 6 डन है। अब हमने करना है 4 से, तो 4 की स्टेटमेंट किसके, 4 के नीचे ही आनी चाहिए। तो हम 6 के नीचे क्या लगा देंगे, क्रॉस या 0। बुक वाले ने 0 लिखा तो मैं लिखाती हूँ क्रॉस, क्योंकि 0 समटाइम उसमें पूरा मिक्सअप हो जाता तो हमें समझ नहीं आता। ठीक है, 0 का तो क्रॉस हमारा लग गया नीचे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, 4 का टेबल पढ़ने जा रहे हैं 3 तक। 4 3s are 12, 1 अगेन कैरी। 4 का टेबल नेक्स्ट तक, 4 4s are 16 और 1 ऐड किया तो 17, 1 कैरी अगेन। फिर 4 का टेबल लास्ट के साथ, 4 2s are 8, 8 और प्लस 1 9, 972, उनका भी 972 है। लेकिन एंड में उन्हें जब प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट किस कैसे हमारे पास आएगा, जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को जब हम सम करेंगे, कैसे आएगा हमारा, ऐड करके। ऐड 8 में प्लस 0 8 रहे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 एंड 1 11, 111 78, वही हमारा है। उन्होंने बोला जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। जो जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है वो होता है जी मल्टीप्लाई करने वाला, जी कौन सा जी, मल्टीप्लायर। जो एंड में आपका सम आएगा, जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये वही उन्होंने बताया हुआ इस लाइन में। ठीक है, अभी देखें जी, हम पेज नंबर 11 हमारा हो गया, पेज नंबर 10 पे आएँ, सॉरी 12 पे आएँ। यहाँ पे भी अगेन है एग्जाम्पल्स हैं इसकी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये और ये, पहले क्या था, हमने जस्ट एक को किया मल्टीप्लाई, 2 वर्ड्स को, लेटर्स को, सॉरी नंबर्स को किया। अभी हम 3 को करने जा रहे हैं, वही सेम मेथड है, लेकिन जैसे में हम एंड में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चे ने पहले की भी, अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखें ताकि आपको समझ आ जाए। 2 4 3 5 8 मल्टीप्लाई बाय 4 65। पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, 5 8s are 40, 0 mark, 4 carry, 5 5s are 25, 5 2 carry, 5 3s are 15, 2 add किए तो sorry 17 बन गए, 1 carry, 5 4s are 20 and 1 21, 2 carry, 5 2s are 10 and 2 12। क्या हमारा आया 12 17 50, 12 17 90। ये कैसे हो गया, 5 4 8s are 40, 4 कैरी, 5 यस, हमने 4 ऐड ही नहीं किए उसमें वाले, जो उसमें वाले 5 5s are 25 और 4 ऐड किए तो 29। ठीक है, हम वो 2 कैरी चला गया, आई एम रियली सॉरी। अब हम किससे करने जा रहे हैं, 6 से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन 6 का क्या होगा, 6 का आंसर 6 के नीचे आए तो यहाँ नहीं हमने लिखना, इसलिए हम इधर एक क्रॉस लगा देंगे या 0। 6 का टेबल पढ़े 8 तक, 6 8s are 48, अगेन 4 कैरी, 6 5s are 30 और 4 34, नाउ 3 कैरी, 6 3s are 18 एंड 3 21, 2 कैरी, 6 4s are 24 और 2 26, 2 कैरी, 6 2s are 12 और 2 14।
हमारा क्या आया 1461 48 1461 48। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने लेना है जो लास्ट पार्ट है वो है आपका 4। ठीक है, लेकिन 4 का आंसर 4 के नीचे आए तो हमने क्या करना है, 6 और 5 की जगह या तो क्रॉस मार्क कर लेने या हमने कर लेने हैं जीरो मार्क। जीरो मैंने पहले ही बोला है कि जंबल हो जाता है, तो आप क्या करें क्रॉस ही मार्क करें। 4 का टेबल 8 तक, 4 8 आर 32, 3 कैरी, 4 5 आर 20 और 3 23, 2 कैरी, 4 3 आर 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 4 आर 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 2 आर 8 और 1 9। हमारा क्या आंसर आया 97 43 2 97 43 2। ठीक है, अब हमने इसका सम कैसे लेना है। पहले हमने लास्ट में जस्ट 2 को किया था ऐड, अब हमने किसको करना है 3 को करना है। 0 का 0 रहेगा, 9 और 8 17 बन जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 7 प्लस 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 2 3 एंड 3 6, 6 प्लस 2 8 और 4 12, 1 कैरी, 2 और 4 6 और 7 13, 1 कैरी, 2 और 9 11। हमारा आंसर क्या आया 11 32 64 70 11 32 64 70। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपने इसकी घर में प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और साथ में आपने जो आपका वेंसडे का होगा वो आपने टेबल्स भी याद करने हैं 2 से 9। जब तक आपको टेबल नहीं आएंगे आपको ये मल्टीप्लाई कभी भी नहीं आ सकती। तो आई होप आपको ये समझ आ गई। तो इंशाल्लाह कल मैं आपसे अगेन मिलूंगी, सॉरी वेंसडे को तो नहीं क्योंकि वो मिलेंगे आपको टेबल्स, तो इंशाल्लाह मैं आपको थर्सडे को मिलूंगी। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।